हम तो बोल ही रहते हैं पहले ये बीच में ये बीच में फिर ये सिल जाता है, ये जो कुर्सी से सूखा है तब ये सिल जाता है। हमारे साथ चलेगा कहाँ से लिए इतने दुपट्टे आप घर में थे बेचते थे ना बेचते इतने होने चाहिए ना घर में खजूर के अच्छा पाइप होगी ना बीच में इसके साथ ही थोड़ी देखो ना ये तो एक कमरा बनाया Myself Samriddhi Kapoor from class 10. I read in Government Girls High Secondary School. ये मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया जो हम अपनी रफ कॉपीज रद्दी में बेच देते हैं, तो मैंने उसको यूज़ किया। मैंने इसको पहले पानी में भिगो के रखा और प्रोसेस फॉलो किया, उसको क्रश किया मिक्सी में और फिर छाननी से उसको छान के मटेरियल बनाया। इसको हम डेकोरेटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं, घर की डेकोरेशन के लिए। हम ये रफ कॉपीज फेंक देते हैं पर ये बहुत ही ज़रूरी होती है अगर हम इसको समझे तो। उसकी मैंने शीट्स भी बनाई है, हम उसको कॉपी कवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत कुछ यूज़ करते हैं। मैंने इसको पॉट भी बनाया और आप भी बना सकते हैं अगर आप यूज़ करें इसका। तो मैंने ये डायरी तैयार की है पेस्ट्रीज के लिए और ये कलरफुल पेजेस यूज़ किए हैं। ये कलर भी मैंने घर से ही तैयार किए हैं, जैसे हर बेस मटेरियल को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, आप सबका शुक्रिया कि आपके माध्यम से एज ए सीईओ कठुआ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो एग्जीबिशन आज लगाई है ये स्वच्छता अभियान के तहत जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारा होता है प्लास्टिक का, उसके बच्चों ने बड़े अच्छे ढंग से इनको डिपिक्ट किया है जहाँ कि उसका हम क्या क्या बना सकते हैं। और हम आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है स्वच्छता अभियान जो अभी दोबारा 2 अक्टूबर से गांधी जयंती महात्मा गांधी से स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें हम बच्चों को और आम पब्लिक को ये बच्चे हमारे जागरूक कर रहे हैं कि जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो नाली में जाता है, जो डिग्रेडेशन ऑफ द ग्राउंड अर्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डैमेज करता है,
उसमें हम उसको किस तरह रीयूज कर सकते हैं, रीसाइकिलिंग कर सकते हैं। तो यही मेरा संदेश है कि हम बच्चों को यही बच्चों के माध्यम से और आज एडमिनिस्ट्रेशन की जैसी इंस्ट्रक्शन है और जहाँ जैसे हमें हायर अथॉरिटी से ऑर्डर है तो हम बच्चों को इन्वॉल्व करके एक मास कंपेन चला रहे हैं ताकि हमारा समाज जो है वो जागरूक हो जाए और ये हमारा जो स्वच्छता अभियान है इसमें हमारी पूरी कामयाबी मिले और जो हमें कोविड 19 से भी हमें निजात मिलेगी इससे। जी मैं समझता हूँ कि दूरदराज कंडी क्षेत्र और खास तो ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल कंपेन है। इसमें बच्चा इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे से सीखता है और जो कंसेप्ट है उसका थ्रेटिकली भी और वो प्रैक्टिकल शेप में कन्वर्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को अच्छी लर्निंग मिलेगी इससे और वो ये मैसेज बच्चों के थ्रू एज ए एम्बेसडर वो हमारे समाज में दे जाएंगे।